मैं समरकंद में हूँ और समरकंद मेडिकल यूनिवर्सिटी के बाहर, और मैं यहाँ 10 तारीख को आया था। कुछ बातें हैं जो लोग अपने बच्चों का एडमिशन कराना चाहते हैं अब्रॉड MBBS में, समझने की ज़रूरत है। यहाँ आने के बाद बहुत चीज़ें साफ हो गई और दिखाई दिया कि मार्केट में कुछ लोग ऐसे हैं कि पहली बात समरकंद को तो ये बोलते हैं कि एक विलेज है। तो मेरे बहुत सारे फुटेज हैं जो आप चैनल पर देखेंगे, आपको पता चल जाएगा कि किस टाइप का ये विलेज है। दूसरी बात यह है कि कभी भी आप किसी को पैसा देते हैं ना, तो आपको समझना चाहिए कि ये पैसा कहाँ जमा कर रहे हैं, क्या वो खुद ले रहे हैं या यूनिवर्सिटी में जमा कर रहे हैं। इस यूनिवर्सिटी में और बहुत सारे यूनिवर्सिटी में सामने ऐसा दिखने में आया है कि बहुत सारे लोगों के पैसे दिए गए लेकिन सबमिट नहीं हुए, इसका मतलब है ड्यू है। ये जो प्रेशर है स्टूडेंट के ऊपर आता है यूनिवर्सिटी के तरफ से, और बाद में या तो यूनिवर्सिटी उसको कुछ दिन के लिए क्लास से रोक देती है या फिर बच्चे को दोबारा फीस देना पड़ता है। वो बात अलग है कि जब आप प्रेशर डालते हैं एजेंट के ऊपर तो वो पैसे वापस करती है, लेकिन आप कभी भी एडमिशन कराएं तो इस बात को चेक करना बहुत ज़रूरी है कि आपको जो बच्चे का एडमिशन करा रहा है वो जेन्युइन पार्टी है कि नहीं। मार्केट में बहुत सारे लोग हैं जो कि मेल लोगों के साथ टाई अप नहीं है, लोगों के सब एजेंट बन के बैठे हुए हैं और ऐसी हरकतें करते हैं, पैसा कभी उठा लेते हैं मार्केट से लेकिन सही लोगों तक नहीं पहुंचता है। आप किसी से भी कराएं एडमिशन, लेकिन तहकीकात ज़रूर कीजिए कि जिसको आप पैसा दे रहे हैं वो जेन्युइन है कि नहीं है। यहाँ आने के बाद इस बात की जानकारी क्लियर हो गई है कि मार्केट से लोग पैसा उठाते हैं लेकिन ले के रफू चक्कर हो जाते हैं, तो इससे सावधान रहिएगा। जो जेन्युइन एजेंट है उसी के थ्रू एडमिशन कराइए।